हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन. वेलकम यू ऑल हेयर. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 7th की सिविक स्टार्ट कर चुके हैं और जिसका नाम क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2. ठीक है, इसमें हम यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की, जिसका नाम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट. और इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2. चैप्टर 2 का नाम क्या है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में क्या रोल है, आज हम ये चीज़ जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू, यानी हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम जानेंगे हेल्थ क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे थोड़ा एग्जामिन करेंगे हेल्थ केयर के कुछ एस्पेक्ट्स को, और फिर देखेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितने टाइप की होती हैं, फिर हम देखेंगे हेल्थ केयर और इक्वालिटी, क्या ये सबको इक्वली अवेलेबल हैं, और उसके बाद अगर नहीं है तो क्या किया जा सकता है. और हम इसमें केरला का एक्सपीरियंस भी पढ़ेंगे और एक कंट्री है कोस्टा रिकन, उसकी एक अप्रोच के बारे में भी आज हम जानेंगे. तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी कंट्री यानी इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी वो एक डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय पीपल, यानी लोगों के द्वारा शासन. इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, यानी लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का शासन. ठीक है, और जब डेमोक्रेसी होती है तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, मतलब उनके भले के लिए काम करेगी. और कैसे करेगी गवर्नमेंट उनके भले के लिए काम, वो कुछ प्रोविजन बनाएगी, कुछ रूल्स बनाएगी, कुछ रेगुलेशन बनाएगी, किस किस फील्ड में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें किसके हाथ में होती हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं. गवर्नमेंट क्यों करती है ये काम, वेलफेयर के लिए करती है. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे हेल्थ का मतलब क्या होता है. आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हम देखेंगे आज हेल्थ का मतलब क्या है. तो फ्रेंड्स, हेल्थ का मतलब ये होता है जब हमें कोई भी बीमारी ना हो या फिर हमें कोई भी चोट ना लगी हो. इसके अलावा हमें, हम तब भी हेल्दी होंगे जब हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, एडिक्वेट फूड मिलेगा जिससे हम लोग हेल्दी रह सकें. क्योंकि अगर पानी गंदा होगा बीमारियां लगेंगी, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा बीमारियां लगेंगी, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो बीमारियां लगेंगी. तो अगर जब ये सब चीज़ें प्रॉपर अवेलेबल है तो इंसान क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, राइट. तो अगर हम बहुत डल फील कर रहे हैं, इनएक्टिव हैं, एंग्जियस फील कर रहे हैं, स्केयर्ड फील कर रहे हैं, तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे. यानी कि फिजिकली और मेंटली फिट होना ही हेल्थ है. ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो हम देखते हैं अब ज़रा हेल्थ केयर इंडिया के बारे में, यानी इंडिया में कैसे कैसी हेल्थ केयर है. तो इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, इलनेस यानी बीमारी, बीमारी को रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए होंगी, और प्रॉपर हेल्थ सेंटर चाहिए होंगे, हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, लैब्स चाहिए होंगी, एम्बुलेंसेस, ब्लड बैंक, यानी ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी अगर हमें बीमारियों को रोकना है या फिर उनका ट्रीटमेंट करना है. तो ये सब फैसिलिटीज़ को कौन चलाता है, हेल्थ वर्कर, यानी हमें हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि अगर हेल्थ वर्कर ही नहीं होंगे, नर्सेज, डॉक्टर ही नहीं होंगे, तो इन सब चीज़ों का को कोई बेनिफिट है क्या, नहीं होगा इनका बेनिफिट कुछ भी. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होंगे, हेल्थ वर्कर चाहिए होंगे, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल, जिससे क्या होगा, अगर ये लोग होंगे तो वो हमें एडवाइस कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर हमारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं. ओके, अब जब ये सब अवेलेबल होगा तो हमें और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ें क्या हैं, वो हैं दवाइयाँ यानी मेडिसिन्स, और इक्विपमेंट यानी जिसकी हेल्प से ये प्रोफेशनल्स जो हैं वो ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हेल्थ केयर के लिए. तो हम थोड़ा देखते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या है. तो फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम हॉस्पिटल्स का और हेल्थ का जिसको गवर्नमेंट चलाती है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा, पब्लिक वर्ड जहाँ पर भी लग जाएगा इसका मतलब ये है वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है. कि गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको पब्लिक बोलते हैं. ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि जितने भी लार्ज सेक्शन हैं या जो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गांव तक में फैली हुई है, वहाँ तक प्रॉपर ट्रीटमेंट फैले पहुँचे, ये इंश्योर कौन करता है, ये इंश्योर करती है गवर्नमेंट. ओके,
तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखेंगे कि इंडिया के अंदर हेल्थ केयर कैसा है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा हमारी कंट्री में मनी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी सबको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है। ओके, तो हम इसमें दो चीज़ देखेंगे, एक तो फेवर में कुछ पॉइंट्स देखेंगे इंडिया के, और इसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो फेवर में क्या है, इंडिया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं वर्ल्ड में, जितने भी हैं सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर हैं, और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हर साल 15,000 यानी 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं। अगर एक डाटा देखा जाए तो 1950s में हमारे यहाँ पे 2,717 हॉस्पिटल थे, लेकिन आज की डेट में 2018 में हमारे यहाँ पर 35,416 हॉस्पिटल हैं। यानी हमने इतनी तेज़ी से तरक्की की है इस फील्ड में। किस फील्ड में? हेल्थ केयर की फील्ड में। और इसके अलावा भारत में बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, यानी कि मेडिकल टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, बाहर की कंट्री से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए भी आते हैं। अभी हम कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में देख लेते हैं। इसमें क्या है, मोस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो अर्बन एरियाज में सेटल है। प्रॉब्लम ये है, यानी जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर डॉक्टर जाना नहीं चाहते हैं, तो ज़्यादा डॉक्टर कहाँ पर सेटल हैं, अर्बन एरियाज यानी शहरी एरिया में। ठीक है, इसके अलावा जो गांव के लोग हैं उनको डॉक्टर के लिए, यानी जब भी उनको बीमारी कोई होती है तो डॉक्टर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत लंबा ट्रेवल करके जाना पड़ता है। ओके, और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं रूरल एरियाज़ में, वो वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे बहुत कम डॉक्टर्स हैं। लगभग हमारी कंट्री में 5 लाख लोग एवरी ईयर टीबी से मर जाते हैं। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये एक बीमारी होती है और जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हर साल 5 लाख लोग तो सिर्फ टीबी से मर जाते हैं, जबकि टीबी का इलाज पॉसिबल है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे लोगों की डेथ होती है। हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस मलेरिया के आते हैं। इसके अलावा हम अपने सिटीजन्स को, सारे सिटीजन्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक प्रोवाइड नहीं करवा पाते। 21% कॉम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, यानी 21% कॉम्युनिकेबल डिजीज़ वाटर बोर्न है, यानी पानी से होने वाली है। तो कॉम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, जो कॉम्युनिकेशन के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, किसी चीज़ के कॉम्युनिकेशन में आने पर, जैसे कि एयर के, वाटर के, या इन्फेक्टेड पर्सन के कॉम्युनिकेशन में आने पर, तो उसको बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज़। और वाटर बोर्न डिजीज़ में कौन कौन सी आती हैं, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ये बीमारियाँ कुछ ऐसी हैं जो पानी से फैलती हैं। और 21% बीमारियाँ जो हैं हमारे यहाँ पर लोगों को, वो पानी से ही होती हैं, क्योंकि हम सबको साफ पानी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। इसके अलावा फेवर में कुछ और चीज़ें हैं, इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिंस का, यानी हम फोर्थ नंबर पर आते हैं मेडिसिंस को प्रोड्यूस करने में, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हम मेडिसिंस का ही करते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि हमारे यहाँ पर आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं, यानी जितने भी टोटल बच्चे हैं हमारी कंट्री में, उनमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता, यानी उनको खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल से पहले ही मर जाते हैं, इन्फेंट, या 5 साल से पहले मर जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मतलब फैसिलिटी होने के बाद भी हमारे यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो कितने प्रकार की हैं, वो 2 प्रकार की हैं। वो होती हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, और दूसरी हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब ये है कि सर्विस जो हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल हो, यानी कंट्री में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सब के लिए वो सर्विस अवेलेबल हो। ठीक है, और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे भी पब्लिक वर्ड आएगा वहाँ पे हम क्या मानेंगे कि ये काम जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, और प्राइवेट का मतलब क्या है, प्राइवेट का मतलब ये है वो सर्विस जो कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज कर रहा है, या एक कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, यानी इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं ये वेलफेयर के लिए होती हैं। ठीक है, यानी लोगों के कल्याण के लिए होती हैं, जबकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, लाभ को बढ़ाने के लिए होती हैं।
ये जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं इनकी कॉस्ट कम आती है, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करे, कल्याण के लिए काम करे लोगों के, तो वो कॉस्ट जो है वो कम आता है, खर्चा कम आता है। लेकिन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, यानी बहुत महंगी होती हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ों को कवर किया जाएगा, रूरल एरियाज़ को भी और अर्बन एरियाज़ को भी। लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो होती हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही होती हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा महंगी हेल्थ को या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर वो अपने हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं खोलते हैं। ओके, तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि क्या हेल्थ और इक्वालिटी सबको प्रॉपर अवेलेबल है, क्या ये एक ऐसी चीज़ है सबके लिए एडिक्वेट है। तो हमारी कंट्री में जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो बहुत तेज़ से बढ़ रही हैं, जबकि पब्लिक सर्विसेज यानी जो गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं वो इतनी तेज़ से नहीं बढ़ रही हैं। और दूसरा ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको अपना ट्रीटमेंट करवाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा हैं नहीं, है ना, और प्राइवेट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो पुअर पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ट्रीटमेंट में। लगभग 20% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो मेडिसिन को अफोर्ड कर सकती है, जब वो बीमार पड़ते हैं तो दवाइयों का जो खर्चा आता है, तो बस हमारे यहाँ की 20% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो मेडिसिन को अफोर्ड कर सकती है। इसके अलावा 40% लोग ऐसे हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनको या तो पैसा बोरो करना पड़ता है, वो कॉस्ट चुकाने के लिए, पैसे चुकाने के लिए, या फिर अपना किसी आइटम, कोई भी उनकी पोजेशन में ज़मीन वगैरह कुछ हो गया उसको बेच देते हैं, जिससे उनको पैसे मिलते हैं, तब जाके वो इन एक्सपेंसेस को पियर कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए बीमारी क्या है, एक अभिशाप है, एक शाप है उनके लिए। ठीक है, वो डरते हैं कि बीमारी अगर आ गई तो आगे क्या होगा। ओके, तो अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, कि वो क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाए सबको, और स्पेशली उन सिटीजन्स को जो बहुत गरीब हैं और जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड हैं, तो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं एक केरला का एक्सपीरियंस, यानी केरला क्या है, हमारी कंट्री में एक स्टेट है। ठीक है, और आप इसकी लोकेशन ज़रूर एक बार चेक करें मैप में जाके, मैप कौन सा, इंडियन मैप। ठीक है, तो हम देखते हैं केरला का एक एक्सपीरियंस। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने अपने यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस किए। कब किए, 1996 में। इसमें क्या किया गया कि जितना भी स्टेट का बजट होता था उसमें से 40% जो बजट था वो किसको दे दिया गया, पंचायत को दे दिया गया, ग्राम पंचायत। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है पंचायत वगैरह के बारे में, तो एक बार आप हमारी 6th क्लास की सिविक्स की सीरीज ज़रूर देखें, उसमें बहुत अच्छे समझाया गया कि पंचायत क्या होती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो केरला ने क्या किया, जो स्टेट बजट था उसमें से 40% दे दिया ग्राम पंचायत को, और उनको ये अथॉरिटी दे दी गई कि वो खुद प्लान करें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसको प्रोवाइड करवाएं अपने गांव के लोगों को। इससे क्या हुआ, लोगों को, मतलब जो गांव के लोग हैं वहां तक प्रॉपर प्लानिंग से वाटर, फूड, वीमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें इजीली पहुंच पाई, क्योंकि जो ग्राम पंचायत हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे गांव में क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो उन्होंने उसी चीज़ के ऊपर अपना वर्क किया और वहाँ पर हर एक गाँव में हर एक सुविधा जो थी वो पहुँच गई। ठीक है, तो इस तरीके से केरला गवर्नमेंट ने काम किया था। अब हम देखते हैं एक कंट्री का एक्सपीरियंस, तो हम देखेंगे द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन अप्रोच क्या है, हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं। कोस्टा रिका क्या है, एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, और इस कंट्री को हेल्दीएस्ट कंट्रीज में शामिल किया जाता है। और इसका कारण क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कारण कहाँ मिलता है, कोस्टा रिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो कोस्टा रिका कंट्री जो थी उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पे आर्मी नहीं रखेंगे। ठीक
ठीक है। और जितना भी खर्चा आर्मी का आएगा उन सब को हम क्या करेंगे, उस पैसे को, जो भी पैसा जो आर्मी में लगता, आर्मी के लिए यूज़ होता, उस पैसे को हम लोगों के लिए यानी उनकी वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे, यानी हेल्थ पर यूज़ करेंगे, एजुकेशन पर यूज़ करेंगे, या लोगों की जितनी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और कोस्टा रिकन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बेसिक सर्विसेज और जितनी भी बेसिक अमेनिटीज थी वो सारे के सारे कोस्टा रिकन सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाई, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी साफ पानी, सैनिटेशन साफ सफाई, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई। और इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत हेल्दी हेल्दी रहे और वो हेल्दीस्ट कंट्रीज में काउंट की जाने लगी। तो उनका मानना ये है कि हेल्थ एजुकेशन जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए एजुकेशन में हर लेवल पे इसको शामिल किया गया। तो ये था फ्रेंड्स चैप्टर। और अगर आपको ये चैप्टर सुनने के बाद में कोई भी डाउट आता है, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं समझते हैं तो डाउट्स आना वाजिब है, तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे, उसके लिए हम आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बता रहे हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले तो आप अपने डाउट्स को हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection.com। आप अपने डाउट्स हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमें अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, आपके सजेशंस को वेलकम किया जाएगा। और अगर हमें लगेगा कि आपके सजेशंस अच्छे हैं तो हम उनको अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।